हेलो दोस्तों, तो हाजिर है टेक न्यूज़ के एक नए एपिसोड के साथ में, जिसमें कि दोस्तों आज की नई लॉन्चिंग और ढेर सारी नई टेक न्यूज़ पर बात करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों, हर दिन की तरह एपिसोड करते हैं शुरुआत सबसे पहली खबर से, और इंडिया से ही दोस्तों आज पहली खबर है। Realme ने फाइनली X7 सीरीज इंडिया में लॉन्च कर दी। दो स्मार्टफोन X7 5G और X7 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। दोनों स्मार्टफोन में दोस्तों आपको बता देते हैं कि डुअल 5G स्टैंड बाई सिम का सपोर्ट मिल रहा है। उसके अलावा X7 की बात करें तो यहां पर 800U डायमेंसिटी चिपसेट है, जबकि X7 Pro में मिल रहा है आपको 1000+ डायमेंसिटी चिपसेट। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है X7 Pro में, जबकि X7 में सिर्फ आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। प्राइस आपको बता देता हूं, 19,999 रुपए से रेंज शुरू हो रही है X7 की, जबकि X7 Pro के लिए आपको 29,999 रुपए दोस्तों खर्च करने पड़ेंगे। 64 मेगापिक्सल के साथ क्वाड कैमरा है X7 Pro में, जबकि 64 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ में ट्रिपल रियर कैमरा है X7 5G में। आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो आपको ढेर सारे डिस्काउंट्स बैंक्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे मिल जाएंगे। इसके बाद अगली खबर है दोस्तों नोकिया से। नोकिया के दो नए स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही है। 10 फरवरी को 5.4 पहले से कंफर्म था, लेकिन साथ में 3.4 भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। 3.4 में 4000mAh की बैटरी, जबकि 5.4 में आपको 5000mAh की बैटरी मिल सकती है। अब दोस्तों ये दोनों फोन किस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होंगे इंडिया में, क्या ये दूसरी कंपनियों के स्मार्टफोन्स को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि नोकिया के फोन्स दोस्तों इस समय जो बजट रेंज है या एंट्री लेवल फोन है वो दोस्तों इसीलिए पछड़ रहे हैं क्योंकि उनकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि वो दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद खबर है दोस्तों सैमसंग के एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों सैमसंग के कई स्मार्टफोन अभी लाइनअप है, लगता है कि हमें फर्स्ट क्वार्टर में ही ढेर सारे स्मार्टफोन सैमसंग दे सकता है। फिलहाल हम आते हैं वापस अपने फोन पर। सैमसंग का गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन टिप हुआ है 7000mAh की बैटरी के साथ में। 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस फोन में मिल सकती है। बाकी दोस्तों बैटरी वाकई में बहुत ही मैसिव है। बताया जा रहा है क्वाड कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी सेंसर के साथ में, और फोन होगा 25,000 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर। फोन दोस्तों टिप हो गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ इसके बारे में कंफर्म होना बाकी है, साथ में लॉन्च डेट भी अनाउंस होना। अगली खबर आ रही है Amazon से, लेकिन खबर दोस्तों बड़ी ही लाजवाब है। Amazon अपनी जो डिलीवरी वैंस है उनके ड्राइवर के सेफ्टी के लिए दोस्तों करने जा रहा है नया इंप्रूवमेंट। AI पावर्ड कैमरा लगाने जा रहा है वैंस में, जहां पर कि ड्राइवर के बिहेवियर को वो कैमरा नोटिस करेगा। यहां पर ड्राइवर के बिहेवियर में अगर कुछ भी चेंज होगा तो उसकी सेफ्टी के लिए वो उसको अलर्ट देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ताकि ड्राइवर सेफली गाड़ी को ड्राइव कर सके। क्योंकि दोस्तों गाड़ी लंबे समय तक चलाते रहने के बाद जो टाइर्डनेस हो जाती है, उसके बाद ड्राइवर के बिहेवियर में भी बदलाव हो जाता है। तो ऐसे में ये दोस्तों नई टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स की सेफ्टी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही दोस्तों कमाल का रोल प्ले कर सकती है। अब देखेंगे दोस्तों इस इंप्रूवमेंट के बाद क्या नतीजे निकल के आते हैं और कब तक इसे इंप्लीमेंट Amazon करता है। इसके बाद खबर है Oppo से। Oppo F सीरीज के दो स्मार्टफोन F19 और F19 Pro दोस्तों एक बार फिर से गर्वाहट के साथ में हो गए हैं सरफेस ऑनलाइन, जिसमें पता चल रहा है कि फोन मार्च में कंपनी लॉन्च कर सकती है। वैसे पहले तक ये खबर थी कि शायद क्वार्टर सेकंड में, यानी कि 2021 के सेकंड क्वार्टर में ये फोन लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों इन फोन की लॉन्चिंग की खबर मार्केट में गर्म हो गई है। आपको बता दें कि पिछले साल लॉन्च किए गए F70 सीरीज के ही ये सक्सेसर वर्जन है। यहां पर F18 को ओप्पो ने ड्रॉप करने का मन बना लिया है, लेकिन दोस्तों ये तो मार्केट में रूमर चलते रहते हैं हर कंपनी के डिवाइसेस के बारे में। हकीकत तो जब दोस्तों कंपनी की तरफ से कुछ कंफर्मेशन हो तो ज्यादा पता चलता है। देखेंगे दोस्तों कंपनी इसके बारे में क्या कहती है। अगली खबर दोस्तों बेहद ही चौंकाने वाली है। आपने दोस्तों अपने प्राइवेट डेटा को लीक होते हुए, चोरी होते हुए तो सुना है, लेकिन दोस्तों क्या हो कि कोई अगर सोशल प्लेटफॉर्म जैसी एक आपको क्लोन ऐप यानी कि नकली ऐप आपको दे दी जाए इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको कैसा रहेगा जब बाद में पता चले कि आप फर्जी ऐप को यूज कर रहे थे और आपने पता नहीं क्या क्या डेटा उसको परोस के थाली में दे दिया है। ऐसा ही कुछ दोस्तों इटालियन एक स्पाईवेयर वेंडर ने किया है। व्हाट्सएप का आईफोन यूजर्स के लिए एक
क्लोन ऐप बनाया था जो कि आईफोन यूजर्स उसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते थे, और उससे उस वेंडर ने क्या क्या डेटा दोस्तों लीक किया है, क्या क्या उनके नुकसान किए हैं डेटा को, यह भी कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों खबर बहुत ही चौंकाने वाली है, अगर ऐसा इटली में हो सकता है तो कहीं भी दोस्तों हो सकता है। इसीलिए ऑनलाइन कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो बेहद ही दोस्तों संभाल के कीजिए, क्योंकि एंड्रॉयड को तो छोड़ो, ये दोस्तों आईफोन से जुड़ी हुई खबर है। इसके बाद खबर आ रही है दोस्तों इंस्टाग्राम स्टोरीज से। टिकटॉक को कंपटीशन देने के लिए हर कोई प्लेटफॉर्म दोस्तों अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ नया कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ कंपनी ऐसी भी हैं कि टिकटॉक जैसे ही फीचर को अपने में एडॉप्ट करने की भी कोशिश कर रही है। यहाँ पर इंस्टाग्राम ने दोस्तों प्रोटोटाइप एक वर्जन पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि इंस्टाग्राम स्टोरीज को जब आप सफल करेंगे तो आपको वर्टिकली फीड मिलेगा। अभी तक दोस्तों आपको मिलता था हॉरिजॉन्टली, लेकिन यहाँ पर जैसे कि टिकटॉक को आप ऊपर नीचे करके वर्टिकली करते थे, चेंज स्वैप करते थे उसकी फीड को, इसी तरीके से आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। अब कितना यूजर्स को ये नया किया हुआ अनुभव बिल्कुल कॉपीकैट जैसा लगेगा दोस्तों पता नहीं, आपको क्या लगता है नीचे आप बता सकते हैं। इसके बाद खबर है दोस्तों सैमसंग से। सैमसंग ने इंडिया में अपने नेक बैंड स्टाइल नए एयरफोन्स, वायरलेस एयरफोन्स दोस्तों लॉन्च कर दिए हैं। लेवल U2 1999 रुपए की प्राइस में इसे लॉन्च किया गया है, दो कलर वेरिएंट में, ब्लू और ब्लैक। सबसे कमाल की बात यह है कि आपको 18 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम इन एयरफोन्स में मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं नेक बैंड एयरफोन तो इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। और इन खबरों के बाद दोस्तों आज की आखिरी खबर भी एक नई लॉन्चिंग के बारे में है। चाइना में वीवो ने S7T 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, मीडियाटेक डायमेंसिटी 820 चिपसेट के साथ में इसे लॉन्च किया। 4000 mAh की बैटरी है, डुअल सेल्फी कैमरा मिल रहा है, और कमाल की बात दोस्तों आपको बता दें कि बॉक्स के अंदर एंड्रॉइड 11 के साथ में ये फोन आ रहा है। फोन दोस्तों फिलहाल चाइना में लॉन्च हुआ है, इसीलिए दोस्तों इसके प्राइस वगैरह के बारे में बात करना बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए अहमियत नहीं रखता है। देखेंगे दोस्तों इंडिया में क्या ये कंपनी लेके आएगी इस फोन को, या फिर इंडिया के लिए फिलहाल ये फोन ड्रॉप रहेगा, जो भी होगा आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक न्यूज अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों एक और नए कमाल एपिसोड के साथ इसी चैनल पर, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।